ये स्कूल 1960 से मेरी अम्मी के यहाँ पर शादी होने के बाद से स्टार्ट हुआ। मेरी अम्मी पढ़ी लिखी खातून थीं और यहाँ पर सिवाय कुरान मजीद के कोई और तालीम नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पर जो लोग इस चीज़ का शौक रखते थे उन्होंने जभी से अम्मी के पास आके तालीम हासिल करना शुरू कर दी। यहाँ तालीम की कमी थी, जहालत का अंधेरा था। जब पता लगा कि इसके पास तालीम है तो फिर बच्चे खुद ही आना शुरू हो गए। ये इदारा 12 साल तक जारी रहा। फिर उसके बाद अम्मी बीमार हो गईं, उनको फालिज का अटैक आया और हम लोग जो हैं, हम तीन बहनें हैं, उनमें से एक बाजी की शादी हो गई थी और हम दो अभी एजुकेशन हासिल कर रही थी, लिहाजा इसको कंटिन्यू नहीं रख सके। और शाम को ट्यूशन सेंटर हमारा चलता रहा। उसके बाद अब दोबारा मैडम समरा और अर्शिया मैडम की तावुन से 2009 से ये इदारा दोबारा से काम कर रहा है और माशाल्लाह यहाँ पर 200 तादाद है बच्चों की जो कि यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। हम बेसिक्स सिखाते हैं प्ले ग्रुप से लेके 3 क्लास तक, और इसके बाद हम बच्चों को लड़कियों वाले गवर्नमेंट स्कूल में और लड़कों को लड़कों के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा देते हैं 4 क्लास में, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी और उस्ताजा क्योंकि बहुत हाई क्वालिफाइड हम नहीं रख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कदम उठाते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारे बच्चे कुरान और स्कूल की बेसिक तालीम बहुत अच्छे तरीके से हासिल करके और गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और अगर आपको ये काम अच्छा लगे और आप इसको सराहना चाहें तो मोस्ट वेलकम।